दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरबी जेई की न्यू भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जेई जूनियर इंजीनियर के लिए नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2024 का ये नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए 30 जुलाई 2024 से भरे जाएंगे। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7,951 वैकेंसी जहाँ पर निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 अगस्त 2024 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आप इस भर्ती की ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप किस जोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे आरआरबी जेई भर्ती 2024 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आरआरबी जेई की ये भर्ती है, जूनियर इंजीनियर जेई डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च मेटालर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की यहाँ पर पोस्ट निकली है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो 7,951 वैकेंसीज निकली है। इसमें जूनियर इंजीनियर जेई डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए 7,934 वैकेंसीज है। केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च और मेटालर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए भी 17 वैकेंसीज निकली है। कुल मिलाकर 7,951 पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 30 जुलाई से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 29 अगस्त 2024 है। सैलरी डिटेल की अगर बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर जेई डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए 35,400 है प्रति माह के लिए। केमिकल सुपरवाइजर और मेटालर्जिकल सुपरवाइजर्स के लिए यहाँ पर 44,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन एज लिमिट बाकी की एलिजिबिलिटी की डिटेल आपको डिटेल नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 18 से 36 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस यूआर ओबीसी के लिए 500 है, इसमें 400 रिफंडेबल रहेगी। एसएसटी एक्समैन ट्रांसजेंडर एबीसी वोमैन यानी कि फीमेल के लिए 250 है जो कि टोटल रिफंडेबल रहेगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फर्स्ट सेकंड के आधार पर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स होंगे। जनरल साइंस के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। 90 मिनट का टाइम दिया गया यानी कि 1.5 घंटे का इसके लिए यहाँ पर टाइम रखा गया है। सीबीटी 2 एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स होंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स होंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के लिए 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स होंगे। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो इसमें टेक्निकल एबिलिटीज के लिए, और 100 ही मार्क्स होंगे। तो ग्रांड टोटल की बात की जाए तो 150 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 150 इसमें मार्क्स रहेंगे। 120 मिनट का टाइम है यानी कि 2 घंटे का इसके लिए यहाँ पर टाइम रहेगा। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेलवेज .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का इस सेक्शन दिया गया है। जैसे आप नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती की ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर CN नंबर 3/2024 का ये नोटिफिकेशन है। इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर इसका जारी किया गया। डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट सभी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी
जारी किया गया है। लास्ट डेट सबमिशन की 29 अगस्त 2024 है। आवेदन इसके लिए 30 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी और साथ ही साथ एज लिमिट और वैकेंसीज की जानकारी दे दी गई है। इसी तरह यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन से जल्दी चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपको यहाँ पर फीस पेमेंट की डिटेल दे दी गई है। और यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर CBT फर्स्ट सेकेंड होगा। इसमें अप्लाई करने के बाद में सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा वो CBT के आधार पर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जोन की अलग अलग वेबसाइट्स दी गई है जिनसे आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी जोन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है। डिटेल नोटिफिकेशन जोन वाइज आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। PDF रीड करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। RRB की ये सभी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर नेम ऑफ RRB जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अहमदाबाद, अजमेर, अलाहाबाद, बैंगलोर, सभी RRB की अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है। जिस भी जोन के लिए आपको अप्लाई करना है उसी लिंक पर आप क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन या लॉग इन करने के बाद में। और जो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की PDF होगी वो भी आप यहाँ से किसी भी जोन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा 30 जुलाई से ही आवेदन स्टार्ट होंगे, उससे पहले लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। 30 जुलाई से 29 अगस्त तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।